क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 में बोलिए आपके डाउट्स। अल्काइल हैलाइड एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 125 के डाउट्स बताइए। नंबर थर्ड, सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, ओके चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पूछा गया है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और आपको गिवन है SH-, ACO- का मतलब है एसीटेट आयन है आपके पास। ACO जो है आपके पास ये एसीटेट आयन है, PHO-, OH- और H2O, ये सब आपको दिए हैं और आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा है। अब देखो आप इन सब को यदि हम देखें तो आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। क्या मैं बोल सकता हूं कि एक न्यूट्रल कंपाउंड के कंपेयर में ये जो चारों है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे? न्यूट्रल कंपाउंड के कंपेयर में जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दे विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल। मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि H2O सबसे लीस्ट आएगा, H2O सबसे लीस्ट आएगा। अब मुझे अरेंज करना है इन चारों को, अरेंजमेंट इन चारों में करना है। तो आपके पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और यहां नेगेटिव चार्ज सल्फर पर है। आपको याद होगा एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब हम ग्रुप में अप डाउन जाते हैं तो साइज आपका बढ़ेगा। जब एक ग्रुप में हम अप डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इन चारों में सबसे बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? SH- आ जाएगा क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बाकी सारे सब में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो SH- आ जाएगा, बाकी बच्चे ये तीनों, इन तीनों को आपको अरेंज करना है। तो देखो ये तो है आपके पास कार्बोक्जिलिक एसिड का कॉन्जुगेट, ये है फिनोल का कॉन्जुगेट और ये है वाटर का कॉन्जुगेट। क्या इन तीनों सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा? बोलो, इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल ये होने वाला है कार्बोक्जिलिक एसिड, इसके बाद ये वाला और लास्ट में ये वाला। सबसे ज्यादा एसिडिक होता है तभी तो एक्सप्रेस देकर स्टेबल हो जाता है ये। मतलब ये सबसे कम स्टेबल है इन तीनों में, और ये सबसे कम स्टेबल है तो सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो तीनों में सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH-, इसके बाद आपके पास ये है PHO-, और सबसे इसके बाद आ जाएगा ACO-। देखो फिर से देख लो, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो इसको तो सबसे मैंने लास्ट में रख दिया। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए सबसे पहले ही आ जाएगा। बाकी इन तीनों को कंपेयर करना है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये और फिर ये। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, ये सबसे कम स्टेबल है इन तीनों में और इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। तो OH-, PHO- और ACO-, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आपको दिया गया है एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब रिएक्शन SN1 है। देखो आई निकाल दोगे आप, यहां पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, यदि ये रिअरेंज हो जाए, यदि ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाए
तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है। इसके लिए आपको यहां से यहां शिफ्ट करना होगा। किस तरह की शिफ्टिंग होगी इसके लिए? हाँ, यहां पर हो जाएगी मिथाइल शिफ्टिंग। ये आपका मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट में आप एडिशन कर दोगे न्यूक्लियोफाइल का। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा कार्बोकेटायन है यहाँ पर जो इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है। कौन सा ऐसा कार्बोकेटायन है इसके अंदर जो फॉर्म नहीं हो रहा है, वो आपको ढूंढना है। तो देख लीजिए, ये वाला जो है आपका ऑप्शन है, फॉर्म नहीं हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 5th है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रिपल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज रिड्यूस्ड टू हाफ द रेट ऑफ SN2। SN2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और SN2 का जो ऑर्डर है ये डिपेंड करती है आपकी सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। SN2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, दोनों पे डिपेंड करती है। आपसे बोला है कि इसे तो मैंने 3 टाइम कर दिया है और इसे मैंने आधा हाफ कर दिया है। इट इज ट्रिपल एंड इट इज हाफ, व्हाट विल बी द नेट रेट? इसे 3 टाइम्स, इसे हाफ टाइम, बताओ क्या इफेक्ट आएगा? तो डायरेक्टली देख के पता चल रहा है आपको, ये 3 है, ये हाफ है, कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम्स। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, SN2 है तो दोनों पे डिपेंड करेगी, सेकेंड ऑर्डर है ये। यदि SN1 होता तो केवल डिपेंडेंट इस पे होती, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं होती है SN1। तो आंसर आपका 3 टाइम्स आया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई और डाउट है किसी का? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के अंदर चलिए 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में बोलिए आपके डाउट्स। 6, 8, 9, 10। ओके, चलिए देखते हैं। 6th में आपको दे रखा है SOCl2 विद पिरिडिन, बताओ कौन सी रिएक्शन है? हाँ, दैट इज SN2। आपको याद है ना, SOCl2 यदि है, केवल केवल SOCl2 है मतलब SNI, और SOCl2 विद पिरिडिन है तो आपका क्या होगा? SN2। केवल SOCl2 है तो SNI होता है, इंट्रामोलिक्यूलर होता है, मतलब वहां पर रिटेंशन होता है केवल। और SOCl2 विद पिरिडिन है तो SN2 होगा। बस आप इन्वर्जन हो जाएगा और OH के पर आपके पास आ जाएगा Cl। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सिक्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है नंबर 8। नंबर 8 तो क्लास ऐसे क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी किया था। ये दे रखा है रिएजेंट। अब आप देखो, आपको दो चीजें दे रखी है यहाँ पर। फर्स्ट जो मीडियम है आपका बेसिक मीडियम है, फर्स्ट जो मीडियम दे रखा है वो बेसिक मीडियम दे रखा है। और बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन को वहां से ब्रेक करते हैं जहां पर लेस हिंड्रेंस है। बेसिक मीडियम में रिंग को वहां से ब्रेक किया जाता है जहां पर लेस हिंड्रेंस है। तो इन दोनों में ये वाला लेस हिंड्रेंस है, तो यहां से ब्रेक कर दो इसे। देखो ये तो आ जाएगा OH, और यहां पर आपके पास आ जाएगा OET। और सेकंड में एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में आपको वहां से ब्रेक करना है जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस है। तो आप यहां से ब्रेक करोगे एसिडिक में,
ये ज्यादा हिंडर्ड है आपका? ये आपके आंसर आएंगे एसिडिक और बेसिक में। बस सिंपल सा आपको इतना से याद रखना है, बेसिक में लेस हिंड्रेंस और एसिडिक में ज्यादा हिंड्रेंस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH? आपसे पूछा है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो ऑप्शन है, BR और मिथाइल आपको सिस में दे रखे हैं, तो आप देखिए जिसपे मिथाइल लिंक है उसके साथ हाइड्रोजन जो होगा क्या BR के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा? वो फर्स्ट कंपाउंड में आपके पास मिथाइल और BR आपको सिस में दे रखा है, इसका मतलब ये है कि जिस कार्बन पर मिथाइल लिंक है उस पे आने वाला हाइड्रोजन BR के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो हमारा जो डीहाइड्रोएलोजिनेशन है वो हमेशा कहां से होगा? जैसे देखो ये मैंने आपको BR बना दिया है, यदि ये मिथाइल है तो हाइड्रोजन कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये दोनों कहां आ गए? अपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसमें फास्टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा? फास्टेस्ट। अरे बात आपको समझ में? बोलिए। नंबर 9th के अंदर आपके पास BR, जैसे आपसे बोला है कि दोनों सिस है BR और CH3, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने बना दिया BR आउटवर्ड है तो मिथाइल भी आउटवर्ड है, मिथाइल यदि आउटवर्ड हो गया तो हाइड्रोजन आपका इनवर्ड आ गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ गई एक दूसरे के, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आपकी एंटी पोजिशन से अपोजिट ग्रुप से अटैच होते हैं, वहीं से एलिमिनेशन होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए हाइड्रोजन एंड हेलोजन। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 10th में आप देखिए आपको ऑप्शंस में अल्किन दी हुई है, जो पहला बेस आपको गिवन है, जो फर्स्ट बेस आपको गिवन है ये लेस बल्की बेस है, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा किस तरह की अल्किन मिलेगी फर्स्ट बेस में? फर्स्ट बेस में कौन सी अल्किन आपकी स्टेबल अल्किन में आएगी? सेट जेफ। कौन सी अल्किन मिलेगी? सेट जेफ। लेकिन जो दूसरा बेस आपको दे रखा है वो बल्की बेस है, और जब हमारे पास बल्की बेस हो तो किस तरह की अल्किन हमें मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है? हॉफमैन अल्किन। फर्स्ट बेस आपका लेस हिंडर्ड बेस है, लेस हिंडर्ड बेस है तो सेट जेफ आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन जो सेकेंड बेस आपको दे रखा है वो हॉफमैन बेस है, सॉरी वो बल्की बेस है, और बल्की बेस होगा तो हॉफमैन अल्किन आपको मेजर प्रोडक्ट में मिलेगी। अब आप दोनों से बनाइए सेट जेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट्स, आप देखिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ये दे रखा है आपको कंपाउंड, यदि मैं सेट जेफ प्रोडक्ट बनाऊंगा तो देखो इस कार्बन से तो निकल जाएगा BR और इस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो है सेट जेफ, और हॉफमैन बनाऊंगा तो हॉफमैन में आपके पास टर्मिनल पोजीशन से एच निकलेगा, तो यहां से मैं एच निकाल दूंगा, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा।
ये हॉफमैन है। तो सेकंड बेस बल्की बेस है जिसमें हॉफमैन आपका मेजर प्रोडक्ट आता है, जबकि पहला वाला जो बेस है वो सिंपलर बेस है, इसमें सैटजेफ आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, थर्टीन फिफ्टीन, ओके क्वेश्चन नंबर 13 and 15, 13 तो आपके पास आसान से क्वेश्चन है। 13 में आपसे बोला है SN2 रिएक्शन, SN2 मतलब ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन, क्या फर्स्ट में ब्रोमीन को हम निकाल पाएंगे? इलेवेंथ का सी ऑप्शन, चलिए मैं इलेवेंथ का सी बताता हूँ, पहले हम 13 देखते हैं फिर इलेवेंथ के सी में बात करते हैं। 13th में क्या ब्रोमीन को निकालना आसान होगा? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे, तो ऐसे में आपसे ब्रोमीन नहीं निकल पाएगा। यहां पर बी में आप देखोगे बी आर ब्रिज हेड पोजिशन पर है, तो यहां से भी नहीं निकल पाएगा। सी में आपके पास पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे, तो कौन सा ब्रोमीन है जिसे हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे? केवल ऑप्शन डी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है SN2 रिएक्शन विल बी नेग्लिजिबल, किसमें नहीं होगी। क्वेश्चन आपसे पूछा है किसमें नहीं होगी, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है किसमें होगी, तो आंसर आपके हो जाएंगे एबीसी। अच्छा इसके बाद यदि हम बात करें एक 11th क्वेश्चन के लिए, हम बात कर ले इधर, तो 11th में आपको न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पूछा गया है। क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप होगा, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या वही एक न्यूक्लियोफाइल होगा? देखो नाम से आपको समझ आ रहा है, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चार्ज और फाइल मतलब अट्रैक्टिंग। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, नॉट न्यूक्लियोफाइल। ओके क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। फर्स्ट आपके पास फिंकलस्टन रिएक्शन है 1,4-dichlorohexane, तो SN2 रिएक्शन है। आपके पास जो लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस हिंडर्ड हेलोजन होगा उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, तो कौन सी पोजीशन पर होगा लेस हिंडर्ड आपके पास? या फर्स्ट पोजीशन पर जो होगा वो लेस हिंडर्ड होगा, और इसलिए फर्स्ट पोजीशन पर आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोफाइल में वो आते हैं जनरली जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। जो लोन पेयर रखे या नेगेटिव चार्ज रखे, और जो हाइपर वैलेंट और हाइपो वैलेंट है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास हाइपर वैलेंट होते हैं उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, और हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है।
H3O प्लस इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा। H3O प्लस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब इसमें जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो सकता है सब्सटेंस, तो वो H प्लस जो अवेलेबल है इसके अंदर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है पूरा, लेकिन H3O प्लस पूरा अटैक नहीं करेगा कहीं भी। नहीं 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 ओके देखो नेक्स्ट है आपका 1.2 डाइब्रोमो इथेन। एक थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है इसमें, आपको इधर रखा है 1.2 डाइब्रोमो इथेन और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं। ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और ये है सबस्ट्रेट। अब देखिए जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, सबसे पहले Br आपका लिविंग ग्रुप है और मैंने अटैक करा दिया इसके ऊपर इसका, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। ये आपका फॉर्म हो गया है। मैंने क्या किया, Br तो लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसने अपने लॉन पेयर को इस कार्बन को डोनेट किया और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। अब देखो जैसे ये Br निकलेगा आपका, वैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव का फॉर्मेशन जब यहां पर होगा तो आपके पास एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और जब हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो एक्सटर्नल अटैक होने के बजाय इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देते हैं। ऑलरेडी मेरे पास क्या अवेलेबल है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करके एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो रिंग कैसे बनेगी, इस सल्फर के साथ CH2 CH2, ये सल्फर और इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, तो इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा, इसमें जो अटैक होगा वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का होगा। आ रहा है समझ में सभी को? ये रिएक्शन समझ में आ रही है ना? आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है, पहले तो उसने Br इस पे अटैक किया तो Br आपका निकल गया, ये फॉर्म हो गया। फिर जैसे ये Br निकलेगा यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इसके ऊपर। सी ऑप्शन है आपके पास, 4-chloro-1-butanol। आपको दिया गया है प्लस NaH। अब देखो NaH है मेरे पास, नहीं मैकेनिज्म तो SN2 से होता है ये बेसिकली, मतलब ये अपने लोन पे डोनेट कर देता है इसे और Br निकल जाता है, तो इस तरह से इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है इसके अंदर। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, बाकी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है, ये इस पर अटैक कर देता है, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। अच्छा सी में देखिए, ये एक एल्कोहल है आपका और सोडियम हाइड्राइड है यहाँ पर, हाँ ड्राई ईथर है वो आपका, Et2O जो है वो ईथर है आपका। तो रिएक्शन में आपके पास सबसे पहले ये एल्कोहलिक जो ग्रुप है ये इससे रिएक्शन करेगा। अब देखो ये एसिडिक नेचर शो करता है तो ये बना लेगा जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो ओ एन ए बन जाएगा ये प्लस H2।
जैसे आपको याद होगी एक रिएक्शन C2H5OH, इसकी रिएक्शन हम Na मेटल या NaH से करा देंगे तो ये सोडियम इथोक्साइड बन जाता है। बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है, ये एसिडिक नेचर को शो करती है रिएक्शन। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ONa प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसके बाद अब देखिए आपके पास एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो गया है। यहां पर आपके पास क्या क्रिएट हो गया है, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे हम इसे हीट करेंगे ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। आपके पास एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो गया है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और Cl आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और जो लास्ट दे रखा है आपको डी, दैट इज प्रोपाइन। ये आपके पास है प्रोपाइन, इसकी रिएक्शन में NaNH2 से करा रहा हूं। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है आपका, ये भी एसिडिक कार्बन है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, एसिडिक कार्बन है तो ये अपने H+ को दे देगा, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा इसका और साथ में NH3 गैस। एसिडिक है तो अपने H+ को दे दिया इसने। आगे आपसे बोल रहा है ये, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3I के साथ। तो देखो ये एक हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। तो आपको मिल जाएगा यहां से टू ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यदि चारों रिएक्शंस में से किसी को कोई भी रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो आप बोल सकते हैं। क्या सभी को चारों समझ में आ गई रिएक्शंस? ओके, पार्ट सेकंड निकालिए। पार्ट फर्स्ट में कोई भी बचा हुआ है किसी का डाउट? पार्ट फर्स्ट में कोई भी डाउट किसी का रिमेनिंग है? नाइन्थ में जो ऑप्शन ए है आपका, उसमें ब्रोमीन और मिथाइल सिस पर है, तो मिथाइल के साथ ये Br है आपका, मैंने मान लिया कि आउटवर्ड है, तो आपको ये सिस दे रखा है। Br सिस मतलब आउटवर्ड है, तो उसका मतलब हाइड्रोजन कहां पर होगा? इनवर्ड होगा। यदि CH3 आउटवर्ड है तो हाइड्रोजन कहां पर होगा? इनवर्ड। दोनों एंटी पर आ गए हैं, तो डीहाइड्रोएलोजिनेशन आपका एक एंटी प्रोसेस है। डीहाइड्रोएलोजिनेशन के लिए जरूरी है कि दोनों ग्रुप्स एंटी पर होने चाहिए, तो आप एंटी पर अब निकल सकते हो। तो इसमें रिएक्शन आपकी फास्टेस्ट होगी, आसानी से डीहाइड्रोएलोजिनेशन हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहां भी तो हाइड्रोजन है। बिल्कुल हाइड्रोजन यहां पर है, लेकिन यहां पर दोनों तरह के हाइड्रोजन है इसलिए हम आसानी से नहीं निकाल सकते। यहां पर हमारे पास किसी भी तरह का कोई सिलेक्शन हमें नहीं करना है, बस जो हाइड्रोजन है उसी को हटा देना है, लेकिन यहां पर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले। ओके, एनी अदर डाउट अप टू 15? अच्छा, पार्ट टू करके आए हो आप लोग?
ओके चलिए तो एक काम करते हैं, अभी हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्जिलिक एसिड कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आप इसका जो पार्ट टू है उसे कंप्लीट करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके पार्ट टू को कंप्लीट करके आना है और जेई एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करके आओगे। चलिए एल्डिहाइड कीटोन निकालिए, वेयर कंटिन्यू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी एक तो अमोनिया वाली रिएक्शन की और एक अमोनिया डेरिवेटिव्स मैंने आपको याद करके लिए आने के लिए बोले थे, कुछ अमोनिया डेरिवेटिव्स मैंने आपको लिखा रहे थे और बोला भी था इन्हें याद करके आना। अमोनिया डेरिवेटिव को जनरली हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं NH2Z। अब जेड के प्लेस पर अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं आपके, जैसे NH2OH हो सकता है आपका, इसे हमने नाम दिया था हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 इसे हमने नाम दिया हाइड्रोजीन। NH2 CONH2 इसे नाम दिया था हमने कार्बाजाइट। दिस वॉज नेम्ड एज सेमी कार्बाजाइट। NH2 NH PH दिस वॉज नेम्ड एज फिनाइल हाइड्रोजीन। एच के जगह पर एक फिनाइल ग्रुप आ गया है। और एक रिएजेंट हमने देखा था NH2NH। दिस वॉज नेम्ड एज 2,4-DNP 2,4-dinitrophenylhydrazine। दिस इज यूज्ड एज ए टेस्ट 2,4-DNP। नाम क्या है इसका? 2,4-dinitrophenylhydrazine। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए एक टेस्ट की तरह भी यूज होता है, मतलब आपको कहीं भी यदि ये मिले कि कोई भी कंपाउंड है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो 2,4-DNP टेस्ट देता है, तो बस आपको समझ जाना है कि कंपाउंड कौन सा है, कार्बोनिल कंपाउंड है, या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो ये आपका 2,4-DNP या ब्रेडीज रिएजेंट। ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन करता है विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो इसीलिए इसे हम एज ए टेस्ट काम में लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्रेजेंस में। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, जैसे सबसे पहले
मैं बात करता हूँ NH2OH की, हाइड्रोक्सिलामाइन। मेरे पास जैसे कंपाउंड है एक एल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होंगे, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है आपका एक। तो जब हम एडिशन कराएंगे तो देखिए ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, आर सी ओ माइनस, और यहां पर आपके पास आ गया है NH2OH पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये एक एसिडिक पार्ट की तरह बिहेव करता है क्योंकि अनस्टेबल है, H प्लस डोनर की तरह बिहेव करता है, और ये एक बेसिक कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है O माइनस। तो यहां से एक H प्लस आपका ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो मैं इसे प्रोटॉन ट्रांसफर करता हूं यहां से यहां पर, ये इस H को मैंने ऊपर लिख दिया है OH, और यहां पर आपके पास आ गया है, देखिए लिख दिया मैंने यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया है। लास्ट स्टेप होगी इसको हीटिंग, जब इसका हीटिंग हम करेंगे तो यहां से OH और यहां से H आपका निकल जाएगा, और ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ये आपका कंपाउंड है डबल बॉन्ड NOH। इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑक्जाइम्स, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्जाइम। एक ऑक्जाइम आपके पास GI शो कर सकते हैं, GI कब शो करेंगे ये, जब आपके पास ये दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे उस केस में ये GI शो कर सकते हैं, जैसे R के रेस्पेक्ट में ये सिन है और H के रेस्पेक्ट में ये एंटी है। अभी यदि मैं इसको नीचे लिख दूं तो H के रेस्पेक्ट में सिन हो जाएगा और R के रेस्पेक्ट में एंटी हो जाएगा। तो यदि ये दोनों ग्रुप आपके पास अलग अलग है तो इस केस में ये GI शो कर पाते हैं, और इस तरह के कंपाउंड क्या बन जाते हैं, ऑक्जाइम। बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच वन इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफिलिक एटम है। देखो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्या किया मैंने। ये मेरे पास कार्बन ग्रुप है, ये इसके पास लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पर, तो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ये रहे इसके और वह ये रहा, इसने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, और ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन लगा हुआ। ये जो कंपाउंड है नीचे ये अनस्टेबल है और एक एसिडिक कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, और ये एक बेसिक बिहेवियर O माइनस है, बेसिक कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। एक ही कंपाउंड में जब एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के सब्सटेंस अवेलेबल है तो एसिडिक कंपोनेंट क्या करता है, अपने H प्लस को ट्रांसफर कर देता है बेसिक कंपाउंड को, तो यहां से आपका प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, H प्लस शिफ्ट हो जाएगा इस O माइनस की तरफ। तो देखो ये रहा आपके पास कार्बन, इस H को मैंने ऊपर लगा दिया, इसे जैसे ही प्रोटॉन मिला OH बन गया नाइट्रोजन के साथ, एक एच और एक OH। फर्दर मैंने इसे हीट किया, हीट करना मतलब डिहाइड्रेशन, तो ये OH और ये H H2O बन के बाहर निकल जाएगा और बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का। अब देखिए इसे मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया है, वैसे और कुछ नहीं किया है। इस कार्बन पर R और H है, तो ये रहे R और H डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर OH है और एक लोन पेयर है। तो इस तरह के कंपाउंड आपके पास ऑक्जाइम्स के नाम से जाने जाते हैं, या फिर इन्हें हम एल्डोक्जाइम भी बोलते हैं। एल्डोक्जाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्डिहाइड से बना है, ये आपका एल्डिहाइड से बना है इसलिए नाम है इसका एल्डोक्जाइम। यदि ये कीटोन से बना होता तो इसको मैं कीटोक्जाइम बोल देता। यदि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये आपका GI शो कर पाएगा इस OH के रेस्पेक्ट में, OH इस R के रेस्पेक्ट में सिन है और इस H के रेस्पेक्ट में एंटी है।
आई बात आपको समझ में? क्लियर है मैकेनिज्म सभी को? अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, हमें कैसे याद रखनी है, हमें ऐसे याद नहीं रखना है, ये तो इसके मैकेनिज्म थी, आपको याद कैसे रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो है आपके पास कार्बोनिक ग्रुप और ये है आपके पास हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखो मैंने NH2OH लिखा था तो NH2 को मैंने H2N लिख दिया, एक ही बात है, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, NH2 को या H2N लिखू, दोनों एक ही चीज है, तो उसे मैंने इस तरह से लिख दिया। जब हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन कराते हुए आपको यहां से करना है डिहाइड्रेशन, बस बाकी को एजिटिज ऐड कर देना। ये आपका प्रोडक्ट है, बस आपको O यहां से निकालना है, H2 निकालना है और इस रिएक्शन को करा देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। बिल्कुल सभी में हमें इसी तरह से कराना है। देखो जैसे मेरे पास इस तरह का ग्रुप है, कोई NH2 हाइड्रोजन है मेरे पास, रिएक्शन में कराऊंगा तो ये O और ये H2 निकाल दो तो ये बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड NNH2। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन। This type of compound are known as hydrogen. Hydrogen से बना है ये, तो compound का नाम क्या है? Hydrogen. एक तो hydrogen है और ketonic group है. So name होगा इसका hydrogen. इसी तरह से आपके पास आपको दे दिया गया NH2NH. बताइए क्या आएगा प्रोडक्ट, बनाओ। हाँ देखो यहां से आपको निकाल दो, यहां से H2 निकाल दो तो ये आपको देगा डबल बॉन्ड NNH। क्या ये GI शो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आपके पास दोनों ग्रुप सेम हो गए हैं, दीज टू ग्रुप्स आर सिमिलर, और इसीलिए ये GI शो नहीं करेगा। इसका नाम था फिनाइल हाइड्रोजन और इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन और इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। ये दे दिया आपको, यहां भी हमें बस यही करना है, H2O निकाल दोगे आप यहां से डबल बॉन्ड NH CONH2। इसमें आपको ध्यान रखनी है एक चीज, आपको कभी भी इस वाले NH2 से H2 नहीं निकालना है, आपको जो NH के साइड में है इसी से निकालना है, क्योंकि इस NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे बेटर है, इसलिए आप ध्यान रखना है इस चीज का। H2 आपको यहां से निकालना है, यहां से NH2 नहीं निकालना है। ये आपका है सेमी कार्बोजाइड,
और इससे जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम नाम देते हैं सेमी कार्बाजोन। ये कंपाउंड आपके पास 2,4-dinitrophenylhydrazine प्रोडक्ट आप बनाओगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास 2,4-DNP है dinitrophenylhydrazine और ये जो कंपाउंड बनेगा आपका इस कंपाउंड में आपके पास ये 2,4-DNP में आपको साथ किया तो हाइड्रोजन लगा देना है तो इसका नाम होगा 2,4-dinitrophenylhydrazone और ये फॉर्म करता है एक ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन देता है हमें और इसीलिए ये आपका कार्बोनिल्स ग्रुप के लिए एक टेस्ट की तरह डील होगा। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस बताएगा, केवल एल्डिहाइड और कीटोन से इसके साथ रिएक्शन कर पाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में कभी भी ये मिले कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 2,4-DNP टेस्ट दे पा रहा है या ब्रेडीज रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है तो आपको बस आंसर में समझ लेना है कि या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। इस टेस्ट से हम कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस का फाइंड आउट करते हैं। और गिव्स सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स, या तो ऑरेंज डाई फॉर्म देते हैं या फिर सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स भी हमें इनसे मिलते हैं। सो दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन में इसे हम टेस्ट को काम में लेते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अभी मैं आपको 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद क्लास आपकी अगेन फिर से स्टार्ट होगी। सैम लिंक को सभी को ज्वाइन करना है, देन वी विल स्टार्ट अगेन फर्दर रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स।